दोस्तों आप सभी के फ़ोन में प्ले स्टोर जरूर होता है, जहां पर जाकर आप बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आपका जो प्ले स्टोर है इसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग दी हुई होती हैं या सेटिंग होती ही हैं जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो बैटरी का बैकअप है उसे 90 घंटों से ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फ़ोन की बैटरी भी बहुत जल्दी से ड्रेन होती है, दिन भर भी नहीं चलती है, आपको दिन में सुबह चार्ज करना पड़ता, शाम को चार्ज करना पड़ता, कई बार तो दोपहर में भी चार्ज करना पड़ता है, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को दोस्तों आप इस प्ले स्टोर की 4 ट्रिक्स की मदद से दूर करके अपने बैटरी के बैकअप को बढ़ाकर 90 घंटे से ज़्यादा चला सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखिएगा, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी बैटरी कितना ज़्यादा चलने लगेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट देनी है, आपको कमेंट बॉक्स में नाइस ट्रिक या नाइस वीडियो लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद बैक आना और उस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अब आपको अपने प्ले स्टोर में सिर्फ 4 सेटिंग करनी है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की बैटरी का बैकअप जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर ऊपर आपको अपने प्ले स्टोर का लोगो दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली इस लोगो पर क्लिक करना है और आपको नीचे सेटिंग में चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस के नाम से, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो अपडेट ऐप्स के नाम से, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपके फ़ोन में अपडेट ऑल ऐप्स और वाईफाई और मोबाइल डाटा इस पर सेट है, जैसा कि यहाँ पर आप देखते हैं। तो इसे आप अगर यहाँ पर सेट करके रखेंगे तो आपके फ़ोन में दिन भर पर डे किसी न किसी एप्लीकेशन में अपडेट आता रहता है और वो एप्लीकेशन अपने आप ही अपडेट हो जाता है और आपकी बैटरी ख़त्म होती रहती है। तो इससे दोस्तों क्या करना है कि आपको इसे डोंट ऑटो अपडेट पर कर देना है, इससे दोस्तों आपकी काफ़ी बैटरी बचेगी। उसके बाद आपको बैक चले आना है। अब दोस्तों ये पहली ट्रिक करने के बाद आपको सेकेंड नंबर की सेटिंग करनी है, जो यहाँ पर आपको जनरल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशंस के नाम से, तो इस पर आपको टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, अकाउंट अपडेट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सभी नोटिफिकेशन जो है फालतू की होती हैं दोस्तों, इनका कोई काम नहीं होता है, तो आपको इन सभी नोटिफिकेशंस को जो है इस तरीके से बंद कर देना है। इस तरीके से यहां से आपको इन नोटिफिकेशंस को जो है बंद कर देना है, इन सभी नोटिफिकेशन, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता दोस्तों। ये जितना ज्यादा आपके फोन में नोटिफिकेशन आएंगी उतना ज्यादा आपकी बैटरी को जो है खत्म करेंगी। मान लीजिए आपने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह की नोटिफिकेशन नहीं बंद कर सकते, लेकिन प्ले स्टोर की नोटिफिकेशन का कोई काम नहीं, तो ये दोस्तों आपको बंद कर देना है। उसके बाद बैक आना है और अब आपको तीसरे नंबर की सेटिंग करनी है, तो इसका नाम है थीम। अब यहाँ पर दोस्तों आप जैसे टैप करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। आप ज़्यादातर लोग इसे सिस्टम डिफ़ॉल्ट पर सेट करके रखते हैं, लाइट पर सेट करके रखते हैं। अब इससे दोस्तों आपकी काफ़ी बैटरी खर्चा होती है, तो इसे आपको डार्क पर सेट करके ओके कर देना है। अब दोस्तों आप जब भी अपना प्ले स्टोर पर आएंगे, प्ले स्टोर चलाएंगे, तो आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी, बिल्कुल ना के बराबर खर्चा होगी। तो इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अब आपको प्ले स्टोर से बाहर निकल आना है और अब आपको लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको अपने प्ले स्टोर पर इस तरीके से दबा के रखना है और यहाँ पर आपको आई बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस हैं जो कि आपको यहाँ पर परमिशन की सेटिंग मिलेगी, तो इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आप देखते हैं जितनी सारी परमिशंस हैं ये सभी परमिशंस अलाउड हैं, कॉन्टैक्ट लोकेशन नियर बाई डिवाइस नोटिफिकेशन फ़ोन एंड SMS। अब यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो प्ले स्टोर को कोई आपके कॉन्टैक्ट के परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नियर बाई डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी परमिशन जब आप अलाउ करके रखते हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा बैटरी ख़त्म करता है। तो आपको इन सभी परमिशन को जो है बंद कर देना है, जैसे कि फ़ोन कॉल के परमिशन को डोंट अलाउ कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको
नियर बाई डिवाइस की इसकी भी परमिशन को डोंट अलाउ कर देना है, और यहाँ पर आपको जो है कॉन्टैक्ट की परमिशन इसे भी आपको डोंट अलाउ कर देना है। तो इतनी परमिशन आपको बंद कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको मोबाइल डाटा एंड वाईफाई की सेटिंग मिलेगी, यहाँ आना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगी बैकग्राउंड डाटा के नाम से। अब दोस्तों ये सेटिंग जो है बंद होगी तो आपको क्या करना है कि इसे जो है ऑन कर देना है। अब इसे ऑन करने से क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड की सारा डाटा जो है जो रन करता है वो स्टॉप हो जाएगा, और फिर दोस्तों आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो बस आपको प्ले स्टोर की इतनी सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी बैटरी का बैकअप जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा, और जो बैटरी आपकी एक दिन नहीं चलती थी वो बैटरी आपकी 3 से 4 दिन तक चलने लगेगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।